नमस्कार शर्मा जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। और ये वीडियो जो बना रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 से फुल एचडी में बना रहे हैं और 60 FPS से बना रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम आपको रियल टाइम लगेगा। और जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं IR थर्मोमीटर यानी कि IR गन। हमारे काफ़ी दर्शकों ने बोला कि आप जो है DU बैटरी छोड़ दो और गेमिंग रिव्यू के लिए इसका जो है यूज़ किया करो और बताओ कि कितना जो है हीटिंग हो रहा है। तो हमने ये जो आइटम ऑर्डर किया है ये eBay से ऑर्डर किया है, लगभग 1380 रुपये का ये ऑर्डर आइटम है और हमें डायरेक्ट बैंगलोर में मिल गया था। हमने कल शाम को पहले पूछा सेलर को कि आप दे सकते हो एक दिन में या नहीं दे सकते, तो उन्होंने बोला कि जी हाँ हम दे देंगे। तो हमने रात को 8-9 बजे ऑर्डर प्लेस किया और आज हमें ये सुबह 1 बजे मिल गया था। तो ये लोकल है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं है, कोई गया कंपनी अपनी या कुछ नाम नहीं लिखा गया है। हालांकि ईबे पे बोला गया है कि कोई सिमैक सिमैक कोई कंपनी है उसका है, लेकिन मैं लिंक छोड़ दूंगा, अगर आप लेना चाहते हैं किसी को ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं। फीचर की बात बताए थे आपको, क्या कुछ लिखा गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सेंटीग्रेड का है, फेरेनहाइट का है, दोनों दिए गए हैं। LCD विद बैकलाइट है, लेजर टारगेटिंग है, मिनिमम एक्स है, एक्यूरेसी जो है वो +-2 डिग्री सेंटीग्रेड की, रेजोल्यूशन इसका इस तरह से है, रिस्पॉन्स टाइम ये सब जो है इसमें आपको दिया गया है। और इसमें जो है दो ट्रिपल ए वाले जो है वो सेल लगते हैं। और राइट साइड में लेफ्ट में कुछ लिखा गया है, हालांकि जो बॉक्स हमें मिला था नीचे वो यहाँ से टूटा हुआ था इस तरह से, लेकिन उससे क्या है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसको, तो हमने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें कोई सील वगैरह लगी हुई नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये ओपन होता है। ये देखिए, ये है IR गन, ये है हमारा बिल और ये है ऑपरेशनल मैनुअल कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर आप जो है किस तरह से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए न्यू वर्जन लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दी गई है, 1 क्या करता है, 2 क्या करता है, ये सब दिया गया है यहाँ पे। और भी कुछ बताया गया है यूजिंग मेथड, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए, तो ये सब दिया गया है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है ये इन्वॉइस है, आपको दिखा देते हैं इन्वॉइस भी। ये देखिए, ये जो है वो इन्वॉइस है, आप देख सकते हैं IR लेज़र थर्मोमीटर डी लिखा गया है और जो कंपनी है वो सीमैक LCD डिजिटल थर्मोमीटर करके कुछ है। तो आप देख सकते हैं 1308 रुपये व टैक्स वगैरह लगा के 1380 रुपये का हमें जो है ये पड़ता है। और जो सेलर है उसका नाम है सिंपल सॉल्यूशन, उसने जो है इसको यहाँ पे सेल किया है। और आपको दिखा देते हैं, हमें जो है इसमें कोई भी यहाँ पर सेल नहीं मिले थे, जो सेल लगने में चाहिए वो सेल नहीं लगे थे। और इसके अंदर ये जो है ये हमारी IR गन, IR थर्मोमीटर, टेम्परेचर जो भी आप बोल दें वो बोल सकते हैं इसको। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बॉक्स बिल्कुल खाली है। हालांकि ये जो बॉक्स जो ये टूटा था यहाँ पर था तो बच गया हमारी गन। तो आपको दिखाते हैं कि वास्तव में ये जो गन है एक्चुअली किस तरह से जो एक्चुअली काम करती है। चलिए ये देखिए, इस तरह से जो आपको डायमेंशन दिखा देते हैं कि इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है इंफ्रारेड थर्मोमीटर -50 से लेकर 380 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करती है। ये इस तरह का जो हैंडल दिया गया है और यहाँ पर जो बटन दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से जो लेज़र शूट होती है और यहाँ पर जो सेंस करता है। और यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आप किस तरह से कितनी दूरी तक जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको दिखा रखा है डू नॉट शेयर इट बीम लेज़र क्लास इस तरह से। और आप यहाँ पर आपको जो है कुछ मोड्स दिए गए हैं। ये देखिए, तो जैसा इसमें लिखा गया है इसके ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में, तो आपको दिखा देते हैं कि 1, 2 और 3 क्या है। यानी कि इसमें लिखा गया है ये तो है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर। तो आपको दिखाते हैं कि 1 नंबर क्या करता है। 1 नंबर तो टेम्परेचर की रेंज दिखाता है आपको, 2 नंबर ये जो ये है ये एक्यूरेसी के लिए है, जो 3 नंबर है ये CF और सेंटीग्रेड के लिए, और ये 4 नंबर जो है ये मोड के लिए है। और भी इसमें दिया गया है 5 नंबर 6 नंबर, वो सब यहाँ पे हैं। तो आइए, इसको ऑन करने के लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे सेल लगाने पड़ते हैं। वो किस तरह से लगा सकते हैं आप, यहाँ पर एक फिंगर टिप दिया गया है, ये देखिए इस तरह से आप इसको इस तरह से क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये इस तरह का हैंडल है और यहाँ पर आपको जो है 2 सेल लगाने पड़ेंगे AAA साइज़ के। तो आप यहाँ पर 2 सेल लगा दीजिए और उसमें टाइम दिया गया है, उसमें ये लिखा गया कि 10 घंटे जो है सेल चल सकते हैं 2 वाले, तो आप उसको इस तरह से जो है वो चला सकते हैं। ये हमारा मोटो एक्स प्ले है और इसको ऑन करने के लिए आपको ये क्लिक करना पड़ेगा इस तरह से, तो ये ऑन हो जाता है और आपको दिखाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। अभी हम AC एनवायरनमेंट में हैं तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 22.9 है और मिन मैक्स वगैरह बताता है यहाँ पे। ये देखिए मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, होल्ड क्या है। और ये जो है ये लाइट जलती रहती है इसमें यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ग्रीन लाइट जल रही है यहाँ पे इसमें। और इसको जो है हम प्रेस करेंगे ये बटन को, तो इसमें से एक लेज़र शूट होगी। तो आपको दिखाते हैं कि जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं हमारी, ये देखिए अगर आप लेज़र देख पा रहे हैं तो रेड कलर की, जो फ़ोन का टेम्परेचर 20, ये देखिए इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं जगह जगह पर। तो आप देख लीजिए मिन क्या है, मैक्स क्या है। मिनिमम था इतना 22.9 और मैक्स तो यार 25.9। आगे भी दिखा देते हैं आपको कि आगे की तरफ क्या टेम्परेचर है। ये देखिए इस तरह से आगे का जो टेम्परेचर है वो 25 ही है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए इस तरह से। और अगर हम DU बैटरी पे देख लेते हैं तो DU बैटरी भी यही कहता है कि 26.4 है। तो +-2% की इसकी जो है वो एक्यूरेसी है। इसका जो टेस्ट हमने है वो चाय के ऊपर भी किया था, हम एक चाय का कप बना के लाए थे और उसमें भी आप देखिए कि कितना जो टेम्परेचर आपको चाय में देखने को है वो मिलता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये गैजेट पसंद आया होगा जो हमने आपकी ही रिक्वेस्ट पर मंगवाया है। और अब आज जो हम रिव्यू करेंगे वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 का जो है गेमिंग रिव्यू करेंगे, और उसके लिए हमने मंगवाया है। काफ़ी दर्शकों ने बोला था कि मंगवा लो, तो हम इसीलिए वेट कर रहे थे कि जब ये गन आएगी इस गन के साथ में हम जो है गैलेक्सी नोट 5 का जो है वो रिव्यू करेंगे गेमिंग का, और आपको जो अच्छे से बता पाएंगे कि हीटिंग का जो है लेवल किस तरह से रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए शर्मा जी टेक्निकल के साथ, हम इस तरह से आपके लिए नए से नए वीडियो बना के लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।